हाय गाइस, मैं निकेत बसवानी, शेरखान का सब ब्रोकर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिसाइड किया था कि इस बार आपकी जो न्यू वीडियो आने वाली है वो आने वाली है फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स स्टॉक के क्या मायने रखते हैं, स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल्स उसके क्या मायने रखते हैं, क्यों फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए आज हम ये वीडियो में यही जानेंगे कि फंडामेंटल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है और उसको यूज करके अपन स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स में पहले तो आता है बैलेंस शीट, फिर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर आते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पीएनएल स्टेटमेंट, उसके बाद आती है न्यूज। न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए, लेकिन आजकल ऑपरेटर्स उसका काफी मिसयूज कर रहे हैं। उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले ये वीडियो में कि वो कैसे मिसयूज कर रहे हैं और हमको उनके मिसयूज का यूसेज कैसे उठाना है ताकि हम भी उनकी तरह कमा सके न्यूज भले जैसी भी आई हो। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट में होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब तो आप सब जानते होंगे, लायबिलिटीज का मतलब होता है उधारी। उधारी मतलब कि किसी को पे करना बाकी है, क्रेडिट, जिसको क्रेडिट देना बाकी है, यानी किसी से हमने उधार पे लेके रखा है या हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमने हमारे ऊपर उधार है, बराबर। अब असेट्स क्या होता है? असेट्स यानी कि वो टचेबल थिंग्स जो हमारे बिजनेस में है और जो बिजनेस के लिए यूसेज है, यानी जो बिजनेस में आती है। अब बिजनेस में मैं ये घड़ियाल को असेट नहीं गिन सकता क्योंकि मेरी पर्सनल यूज है, ये घड़ी मेरी पर्सनल यूज है, इसको मैं बिजनेस के असेट्स में नहीं गिन सकता। असेट्स में क्या आता है? असेट्स में आता है लैपटॉप, पीसी, चेयर्स, कबर्ड्स, फाइल्स, ये सब असेट्स हो गए। प्रॉपर्टीज, ये सब भी असेट्स हो गए। अब बैलेंस शीट में अपन को ये देखना है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है कंपनी की, जिसको अपन एनालाइज कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साथ में लायबिलिटीज भी इंक्रीज तो नहीं हो रही, और अगर असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो साथ में लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बेसिस पे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कैसे होने वाला है। कैसे? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है तो स्टॉक का प्राइस भी उस लेवल पे होना चाहिए जैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल अगर असेट्स थी 3,000 करोड़ की और ये साल असेट्स है 1500 रुपए प्लस, यानी 4,500 करोड़ की, और लायबिलिटीज उस टाइम पे थी 1500 करोड़ की और इस टाइम पे हो गई है 1600 करोड़। बस लायबिलिटीज में तो इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन असेट्स में काफी बड़ा इंक्रीज है। बाय कर लो, इमीडिएटली बाय कर लो, घुस जाओ उस स्टॉक में जब आपको पता चले कि अब जब अपडेट होगी ये बैलेंस शीट, घुस जाओ। और अगर तभी घुसना जब आपको लगे कि वही वैल्यू पे प्राइस ट्रेड कर रही है जिस वैल्यू पे जब पिछली बार बैलेंस शीट थी, उस टाइम पे अगर सपोज रेट था 600 रुपीज पर स्टॉक और अभी भी 600 रुपीज पर स्टॉक चल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, उसका ऊपर जाने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि उसमें इस साल असेट ज्यादा उसके इंक्रीज हो चुके हैं, यानी उसका चांस ज्यादा होता है ऊपर जाने का। ऐसे नहीं कि भाई 600 पे थी अभी 700-800 पे ट्रेड कर रही है फिर बाय करना है, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 700-800 पे पहुंच चुकी है, चांस को छू चुकी है। अब आपको नीचे पकड़ना था उसको, आप तो ऊपर जा चुकी है, अब आप पकड़ोगे तो सारे जो उन्होंने खरीद के रखा होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस भी नीचे आएगा। गॉट इट? बैलेंस शीट ऐसे 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 रीड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पीएनएल में ऐसा आता है कि पिछले साल जो प्रॉफिट एंड लॉसेस थे उसको कंपेयर करो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस से, या क्वार्टर प्रॉफिट, क्वार्टर यानी कि फोर मंथली आता है, फोर मंथली प्रॉफिट लॉसेस से कंपेयर करो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो बाय करो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकम और एक्सपेंस में, जो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके जो इनकम होती है ना, नेट इनकम, उसी पे देखना है कि वो डिफरेंस कैसा है। अगर पिछले साल इनकम 1000 करोड़ थी, ये साल इनकम 1500 करोड़ है, लेकिन एक्सपेंस पिछले साल 800 करोड़ था, इस बार एक्सपेंस भी 1500 करोड़ हो गया, वो कोई काम नहीं आएगा। इनकम और एक्सपेंस में से जो माइनस होकर नेट इनकम या नेट एक्सपेंस आता है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको लेना है। और इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करना है कि प्राइस ऊपर जाए उसके पहले नहीं लेना है, प्राइस नीचे ही हो उसी लेवल पे तभी आपको बाय करना है, उसका ऊपर जाने का चांस ज्यादा होगा। तो ये हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फंडामेंटल्स, ऐसे वाले फंडामेंटल्स रीड करके एनालाइज करके कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट का ही प्लानिंग रखना, शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म, लेकिन
फंडामेंटल्स यानी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये पीएनएल रीड करके इंट्राडे या डिलीवरी या स्विंग ट्रेड करने की प्लानिंग मत करना, क्योंकि ये इतना फास्ट रिटर्न्स नहीं देगा आपको। ये शॉर्ट टर्म यानी मिनिमम में मिनिमम एक डेढ़ महीने के बाद ही आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा, यानी एक डेढ़ महीने तक होल्ड करोगे तो ही आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेगा। गॉट इट? अब एक मेन फैक्टर आता है फंडामेंटल्स में, न्यूज। न्यूज एक ऐसी चीज है जो पहले बहुत अच्छे से काम किया करती थी लेकिन अब बिल्कुल अपोजिट काम करती है। वो इसलिए क्योंकि न्यूज में अब ऑपरेटर्स भी काम करने लगे हैं। न्यूज खराब आई ये सोच के रिटेल ट्रेडर्स यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ट्रेडर्स, उनको रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं, और वो जो होते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी बड़े बिग ट्रेडर्स जो बल्क ट्रेडर्स होते हैं ऑपरेटर्स। अब न्यूज खराब आई है कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये प्राइस तो नीचे जाने वाली है क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया है कंपनी का, चलो बेचते हैं। हम कब बेचेंगे? जब देखेंगे एक्चुअल में प्राइस नीचे जानी चालू होगी फिर ही हम बेचेंगे ना, वो ऊपर जा रही होगी थोड़ी थोड़ी बेचेंगे। तो वो लोग प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस थोड़ी नीचे आई सबने बेचना चालू कर दिया, तब आएगा ऑपरेटर महाशय, एंट्री करेंगे ऑपरेटर बोलेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब वो आएंगे और बोलेंगे कि भाई मैं तो तुम लोग बेच रहे हो इतने ज्यादा में, तो मेरे को तो खरीदार मतलब मेरे को तो खरीदना ही था, मेरे को तो बेचने वाले मिल गए इतने सारे, चलो मैं खरीद लेता हूँ वो भी कम प्राइस में, क्योंकि प्राइस नीचे जा रही थी उसमें वो खरीद लेगा, यानी उसको सस्ते प्राइस में मिल गया और उसकी क्वांटिटी इतनी बल्क होगी, जैसे हमारे को पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी क्वांटिटी बहुत बल्क में होती है, उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो इतने सारे फंड्स के साथ इन्वेस्ट करेंगे, प्राइस ऊपर चली जाएगी, जिन लोगों ने बेचा था सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या तो वो होल्ड करते करते उनका पूरा पोर्टफोलियो डुबाते जाएंगे, पोर्टफोलियो नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट डुबाते जाएंगे, पूरा अकाउंट उनका उड़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो कभी कभार ऑपरेटर रेडी करके प्राइस ऊपर लेके जाता है, कभी पॉजिटिव रिजल्ट आया तो भी ऑपरेटर रेडी करके प्राइस नीचे भी लेके आता है। ऐसा रिसेंटली अभी कोटक बैंक में हुआ था, कोटक बैंक का एस्टिमेटेड प्रॉफिट से थोड़ा कम आया था, थोड़ा मतलब 1-2% कम आया था, लेकिन इसमें परसेंटेज भी बहुत बड़ी बात होती है परसेंटेज, लेकिन 8% के आसपास की कोई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 7% के आसपास ऐसा कुछ आया था, और उसके बाद प्राइस ने एक डिप मारा, जैसे ये न्यूज आई ना प्राइस ने एक डिप मारा नीचे की तरफ, हम लोग क्या सोच के घुसेंगे कि प्राइस नीचे जानी चालू हो गई है, न्यूज भी खराब आई है, चलो बेचो शॉर्ट सेलिंग करो या खरीदे हुए हैं तो बेच दो। यहीं पे क्या हुआ था पता है, उस दिन ऑपरेटर ने कुछ अड़ी करी और प्राइस ऊपर चला गया, उस लेवल से भी ऊपर चला गया जिस लेवल पे वो नीचे जाना चालू किया था, वो कैंडल की ओपनिंग से भी ऊपर चला गया था प्राइस। अब ये क्यों? ऑपरेटर ने किया था, क्योंकि ये ऑपरेटर्स को बल्क में खरीदना होता है तो सामने कोई बल्क में बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, बल्क में बेचने वाले नहीं है तो रिटेल सारे के सारे रिटेल वाले बेचेंगे तो क्वांटिटी अच्छी सी क्रिएट होगी, अच्छी क्वांटिटी क्रिएट होगी तो वो भी अच्छी क्वांटिटी में उठा सकेंगे, और उनकी क्वांटिटी बाय करने की हमेशा हमारी सेल क्वांटिटी से ज्यादा होगी क्योंकि उनके पास भर भर के पैसा है, दुकान है पूरे पैसे की, राइट। तो हमारी सेलिंग क्वांटिटी कम होगी उनकी बाइंग क्वांटिटी ज्यादा होगी, फिर भले न्यूज खराब आई हो तो उनकी बाइंग क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से डिमांड सप्लाई का लॉजिक लगा के प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके आप लोगों का प्रॉफिट अपने जेब में डाल के अपने स्विमिंग पूल में ऐश करेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेटर का कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझाऊंगा कि ऐसी न्यूज के टाइम पे ऑपरेटर्स को कैसे पकड़े, कि वो कैसे अड़ी करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के आप समझ सकते हैं अपन लोग कि ऑपरेटर अड़ी कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर अपनी चाल चल रहा है कि नहीं चल रहा, अपन कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट पैटर्न्स देख के समझ सकते हैं। तो यही था न्यूज के रिलेटेड तो ठीक है। मैं आपको यह बोलूँ अभी पूरे जो मैं टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ उसमें मैं सिखाऊंगा कि ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको इतना सब डीप में नहीं समझाऊंगा, पहले मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा, चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा, लॉजिक लगाना सिखाऊंगा। शेयर बाजार में पैसा कमाना है ना तो मेन तो सिर्फ कॉमन सेंस है, जिसको कॉमन सेंस आ गई ना वो कमाता ही है, इनफैक्ट किसी को बताएगा भी नहीं और आपको लगेगा कि वो कुछ करता ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, और वो सीक्रेट यही है कि कॉमन सेंस यही बोलता है कि इंडिया के जो टॉप 10 शेयर्स हैं उठा के रख दो, एक साल में आपको FD से ज्यादा रिटर्न मिल ही जाएगा, गारंटी है, इजीली मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें शायद चांस है कि मार्केट डिप मारे, क्योंकि लॉकडाउन लग सकता है बड़ा वाला, संपूर्ण लॉकडाउन, उसमें तो
चांस है कि डिप मारे, लेकिन मेरे को लगता नहीं है क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में सब इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा, तो प्राइस और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस है, वो सब तो अलग बात है। अब लॉजिक लगाने वाली बात यही है कि टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है आपको एडवाइजरी की जरूरत है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो पीएमएस करते हैं। पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यानी वो आपको एक ऐसी सर्विस देते हैं जिसमें आपके पैसे वो किसी पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग शेयर्स का एक बंच, उनमें इन्वेस्ट करते हैं पैसे आपके, और वो पैसे वो स्टॉक्स जैसा परफॉर्म करते हैं वैसे आपका इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स मिलेंगे पर ईयर के बेसिस पे। और ऐसे हमारे शेयर खान में तो एक ऐसा पोर्टफोलियो का सिस्टम है, लेकिन उसमें क्या है 5-10 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा एक सिस्टम है कि अगर 15% से ज्यादा रिटर्न्स मिले तो ही आपको फीस पे करनी है, वरना फीस भी नहीं पे करनी। और 15% पर ईयर मतलब गिन रहे हैं ना कि आपको पर मंथ 1% से भी ज्यादा मिलेगा, यानी 10 लाख पे आपको पर मंथ 10,000 से भी ज्यादा, नोट करना। जबकि एफडी में अगर आपने 10 लाख का करवाया होता तो आपको पर मंथ 5,000 रुपए जितना मिलता, वो भी चांसेस कम है क्योंकि ऐसे बुड्ढों को ज्यादा देते हैं एफडी वाले। हमारे जैसे यंगस्टर्स अगर जाएंगे ना एफडी करवाने तो 5.5-6% तक ही देंगे साल का, तो कोई कोई बैंक तो 4% बोल देंगे आपको डायरेक्ट मुंह पे। बुड्ढों को मैक्स टू मैक्स 7.5% तक जाने की लिमिट है, 7.5% से बेटर है कि 15%, और वो भी विदाउट फीस। अगर 15% से कम होता है तो वो आपसे फीस भी नहीं लेंगे, और 15% से ज्यादा होता है तो आपसे फीस चार्ज करेंगे। ये था बेसिक पीएमएस का। लेकिन पीएमएस वैसे जो एनएसी के अंडर में होता है पीएमएस बड़ा वाला, उसमें मिनिमम अमाउंट होता है 50 लाख। वो वाला ऐसा पीएमएस होता है इतना सेफ एंड सिक्योर, और 25-30% रिटर्न आपको मिल जाते हैं इजीली, क्योंकि आपने बल्क में होते हैं और आपके अकाउंट्स प्रोफेशनल हैंडल करते हैं, एकदम प्रोफेशनल लोग जो होते हैं शेरखान में। जैसे मैं शेरखान का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी अलग अलग कंपनीज भी है, वो अपने एकदम एडवाइजरी रखते हैं, प्रोफेशनल एडवाइजरी, वो अपना लॉजिक लगा के अपनी एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं और इजीली 25-30% मिल जाता है। अब आप सोचिए 50 लाख पे 25% पर ईयर कितनी बड़ी बात हो गई, महीने का 2% से भी ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं? 50 लाख का महीने का 2% यानी 1 लाख रुपीज के आसपास हो गया आपका मंथली इनकम, राइट? सो यही बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट का, अगर आपके पास बिग अमाउंट पड़ा है तो, और वो आपको इन्वेस्ट करने का काम नहीं आ रहा है, और व्हाइट मनी है तो ब्लैक मनी नहीं। यही एडवाइस करूंगा, इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड यू आर अ बिगिनर, देन प्लीज प्ले सेफ इन द बिगिनिंग, देन एज यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, can't say lot of experience but little bit of experience, then you can start taking risk like swing trades, then intraday means taking position on the same day and exiting also on the same day, it's known as intraday. And there is one thing known as options is such a thing that usme aap ek din mein paise double bhi ho sakte hain aur ek din mein chuna khalas bhi ho sakta hai, wo thodi risky cheez hai lekin ye karte hain log bhi bahut sare। तो बस ये मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन यही आप ध्यान रखना कि अगर आप नए हो तो एकदम सेफ प्ले करो, एंड जिनको भी मेरे अंडर में शेरखान में अगर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना हो तो वो नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारी टीम भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा या जैसे भी कुछ करना होगा। कोई भी टाइप की दिक्कत आती है अकाउंट ओपनिंग में या किसी भी टाइप में तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करके सब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।